मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के उसके सारे पासवर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मोदी सरकार डाल सकती है, आपकी बेटी आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी आपकी पत्नी आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है जिसके फोन के अंदर भी पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब यह भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे, हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पेगासस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा,
ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है, और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019, ए वल्नरेबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन व्हाट्सएप विच कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय रिमोट अटैकर टू एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी कोड ऑन द अफेक्टेड सिस्टम, और यह बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों सवाल यह है कि यह पिगासस है क्या? यह एक इजरायली कंपनी है NSO, और यह कहते हैं कि हम यह सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं। यह पिगासस NSO की वेबसाइट से, और उन्होंने साफ तौर से कहा NSO प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्मेंट एजेंसी टू फाइट क्राइम एंड टेरर। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, TV18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जासूसी करवाकर क्या ये उग्रवादी और आतंकी हैं?